POJK रिफ्यूजी संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में जम्मू कश्मीर के LG GC मुर्मू से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में दो मिसाइल प्रमाण पत्र लागू करने पर सरकार का आभार जताया। LG ने संगठन के सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उनकी अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि बिलावर के ऐतिहासिक भड़ू गांव और वहां के ऐतिहासिक रामलीला जो विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है, हम हर नवरात्रि में उसे लाइव भी दर्शाते हैं। रामानाटा कलव भड्डू ने पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से निकल रहा है उसी के ध्यान केंद्रित करते हुए पहले अपने आस पड़ोस के उन परिवारों के राशन रूप में सहायता की और लगभग 1,00,000 का खाद्य पदार्थ राशन लोगों में वितरित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री फंड में 1,00,000 की नगद धनराशि के इस मौके पर संस्था के प्रधान यश शर्मा, राजीव खजुरिया, अशोक वेद और उनकी पूरी संस्था ने DC बिलावर को चेक देकर अपना सहयोग किया। बिलावर उपजिला से दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। गणेश महोत्सव संस्थान द्वारा लगातार 40वें दिन भी हीरानगर में लंगर जारी रहा। जब से देश में लॉकडाउन लगा है तब से समाज सेवी संस्थाओं लोगों के साथ रहने का जिम्मा ले लिया और लगातार सेवा समाज की जेब में जुटे हैं। गणेश महोत्सव संस्थान की तरफ से भी लगातार गरीब परिवारों के लिए लंगर की व्यवस्था लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जगह खबरना। रामकुंड तहसील के पहाड़ी जिला उपाध्यक्ष रोशन पनौत्रा, जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता सुमेश शर्मा को नियुक्त कर उन्हें डिप्टी CM निर्मला सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने युवाओं को आश्वासन दिया कि वह कदम कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी भी मुश्किल हालात में आने पर युवाओं के साथ उन्होंने 4G इंटरनेट के लिए युवाओं को वचन भी दिया है। बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के LG JC मुर्मू से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र लागू करने पर LG का आभार जताया। कमेटी के प्रधान लबा राम गांधी की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल को LG ने भरोसा दिलाया कि उनकी लंबित पड़ी अन्य समस्याओं को भी जल्द समाधान किया जाएगा। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। विश्व ब्राह्मण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में उपराज्यपाल से भेंट व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के दोनों खेतों में समान विकास के लिए उपराज्यपाल का आभार जताया व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए डोमिसाइल कानून को लेकर भी खुशी व्यक्त की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर युवा कांग्रेस ने न्याय योजना की शुरुआत की। युवा कांग्रेस आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार खुशवंत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। COVID-19 के खिलाफ लड़ने हेतु आज बशोली डेवलपमेंट वॉलेंटियर कमेटी द्वारा पंचायत पलाही में बसोहली दयारा रोड नायब सरपंच वार्ड मेंबर नरेश सिंह, स्मृति अंजुबाला वार्ड मेंबर 8, श्रीमती मुश्ताक अहमद और BDVC के वॉलेंटियर द्वारा जिसमें दर्शन जी, जतिंदर जी, ओम प्रकाश जी निवासी वार्ड 11, प्रमोद जम्वाल, कुलजीत सिंह, लक्की जम्वाल निवासी वार्ड 8, डीपू डोगरा, गुशु डोगरा निवासी वार्ड 7, रफीक अहमद निवासी वार्ड 6, विलेज पलाही और 7 में स्थानीय लोगों की सहायता से इन सब वार्डो को सैनिटाइज कर उसमें हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव अभियान चलाया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों ने BDVC ऑर्गेनाइजेशन से निस्वार्थ सेवा की काफी प्रशंसा की और युवाओं को कार्य को काफी सराहा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बशोली, जेके खबर नाम। BJP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बालकृष्ण शर्मा, BJP यूथ सेक्रेटरी राजीव जी अनिल कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मीपुर्ण की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी राजकुमार तथा गाराराम को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता करण भगत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र लागू होने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार को पहले ऑल पार्टी बैठक बुलाने की जरूरत थी, सभी पक्षों के विचार सुनने के बाद इसे लागू करना चाहिए था। आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता करण भगत ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और सरकार को स्पष्ट करने की जरूरत है कि प्रमाण पत्र कब से लागू होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन ना किसी कैडर ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी और केंद्र सरकार कोरोना का फ़ायदा उठाते गए
और इन्होंने पहले डोमिसाइल लाया, फिर उसे चेंज किया, फिर दोबारा लाया। उसके बाद में सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट इस बात का उत्तर ये नहीं दिया है कि 15 साल से जो आदमी यहाँ रह रहा है वो 15 साल कब से गिने जाएंगे। 15 साल पहले से गिने जाएंगे कि आज से गिने जाएंगे। जैसे कि हमारे आरएसपुरा या रूरल एरियाज़ में जो काफ़ी सारे ऐसे लेबर के लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे दूसरे राज्यों से आए लोग हैं जो 15 से 20 साल के यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने मकान भी यहाँ बना लिए हैं, उन्होंने मकान खरीद भी लिए हैं, उन्होंने जगह भी खरीद लिए हैं। वो कैसे खरीदी उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेहतर दे सकती है। लेकिन ये जो डोमिसाइल लाया है इसकी हमारी प्रदेश की कांग्रेस की यूनिट, केंद्र की और आरएसपुरा की यूनिट भी हमारी जो है, जितने भी हम यहाँ पे कांग्रेसी लोग हैं, हम इसको बिल्कुल गैर संवैधानिक कहते हैं। पहले धारा 370 तोड़ी गई, हमने सोचा कि जम्मू के बेनिफिट के लिए तोड़ी गई। 370 तोड़ने के बाद हमें जम्मू वालों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा टोल प्लाजा लगाए गए, 4G हमारे युवाओं से छीन लिया गया। मतलब ये पिछले हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कोरोना जो है वो अभी का नहीं, वो एक साल से कोरोना से भी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रदेश की जनता को ये नहीं पता कि कल केंद्र सरकार कौन सा फैसला लाने वाली है। वकील भी बैठे रहे 2 महीने स्ट्राइक पर, वकील बैठे रहे, और भी आज भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ के स्टाफ है कोरोना की महामारी के दौरान, जो रो रहा है, जो सड़कों पर है आज कोरोना के दौरान कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। और वो सारे मसलों को साइड में करके आप 4 लोगों के साथ सलाह करके डोमिसाइल एक्ट ला देते हैं। बेहतर ये होता इस डोमिसाइल को अगर यहाँ की चुनी हुई कोई सरकार लाती, जब प्रदेश में BDC चुनाव हो सकते हैं मिलिटेंसी के दौरान, जब प्रदेश में सरपंच सरपंचों के चुनाव हो सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते। अभी पिछले वर्ष यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, अपनी केंद्र की सरकार बना लेंगे, अपने अपने MP जो है वो जितवा लिए। तो अब जो जम्मू कश्मीर का, जो आरएसपुरे का, जो बॉर्डर का प्रवासी है, वो अपने हक के लिए उसकी